नमस्कार, न्यू कॉमेट समाचार में आपका स्वागत है। आइए देखिए आज की ताज़ा खबर। पार्टनर्स इन प्रॉस्पेरिटी एनजीओ द्वारा कल्टीवेट विद केयर अभियान के तहत रामनगर में एक वर्कशॉप का किया आयोजन। पार्टनर्स इन प्रॉस्पेरिटी एनजीओ एक गैर सरकारी संस्था है जिसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। पिछले कुछ वर्षों से 6000 से अधिक किसानों के साथ जैविक कृषि, फेयर ट्रेड, जल संचयन, गोबर गैस संयंत्रों की स्थापना, कौशल विकास के कार्यक्रम और समुदाय पर आधारित कार्यक्रमों के साथ सामुदायिक सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही है। हमारी आपूर्ति श्रृंखला और सामाजिक व पर्यावरणीय विशेषज्ञ 14 राज्यों में सुनिश्चित करते हैं कि वस्तुओं की नैतिक सोर्सिंग हो जो पर्यावरण और लोगों के हित में हो। पार्टनर्स इन प्रॉस्पेरिटी एनजीओ द्वारा कल्टीवेट विद केयर अभियान काशीपुर और बाजपुर में प्रारंभ किया जा रहा है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस कल्टीवेट विद केयर कवक की जानकारी को आपके साथ साझा कर उसको आम किसानों तक पहुंचाना पार्टनर्स इन प्रॉस्पेरिटी का उद्देश्य है। देश के कई हिस्सों में चावल प्रमुख फसल है जिस पर वैश्विक खाद्य सुरक्षा भी निर्भर करती है। अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान और तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जयशंकर ने कृषि के लिए बढ़ते जल की कमी और पर्यावरणीय चिंताओं को देखते हुए जल संरक्षण तकनीकों का विकास किया है। एकांतर गीला और सूखा उन जल कुशल तकनीकों में से एक है। आप लगातार देखते रहिए न्यू कॉमेट समाचार रामनगर से। न्यू कॉमेट समाचार के लिए रोशनी पांडे की यह विशेष रिपोर्ट। चैनल को लाइक, कॉमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। एक्चुअली एक कैंपेन है जो हम उत्तराखंड में पिछले कई सालों से चला रहे हैं, नैनीताल और उधम सिंह नगर में। उसी को हम लोगों ने आज स्केल अप किया है काशीपुर और बैजपुर एरिया के लिए, स्पेशली धान के फार्मर्स से। और इस बेल्ट का चुनाव इसलिए भी हुआ है कि जो धान की खेती है वो एक बार ना हो के साल में दो बार बैक टू बैक धान लग रहा है। और सब लोग जानते हैं कि धान के अंदर जिस तरह से पानी का इस्तेमाल होता है, एक किलो चावल में किस तरह से 2.5 से 3.5 हज़ार लीटर का जो इस्तेमाल होता है वो काफ़ी हद तक बर्डन डालता है। क्योंकि एक तरफ तो हमारे ग्राउंड वाटर की जो टेबल्स हैं वो डिप्लीट हो रही हैं बहुत सारी सिटीज़ के अंदर, इसके लिए गवर्नमेंट ने अलर्ट्स भी जारी किए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कुछ ऐसा किया जाए कि इस पानी का जो इरीगेशन में धान में इस्तेमाल हो रहा है उसको कमी ला सकें। और दूसरा, जो पानी खेतों में जब खड़ा रहता है उसकी वजह से जो एमिशंस होते हैं मीथेन का, तो उससे भी क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ रहे हैं, तो उसको भी कम किया जा सके। तो इसके अंतर्गत AWD अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग एक सक्सेसफुल पद्धति है जिसका हम लोग यहाँ पे शुभारंभ करने जा रहे हैं। इसका ग्राउंड वर्क पिछले 2 महीनों से चल रहा था, तो 15,000 हेक्टेयर के ऊपर पहले चरण में हमने किसानों को ढूंढा है और उनके साथ इस पद्धति का हम लोग उनके साथ इस सीज़न से शुरुआत कर रहे हैं। और हमने अपने पिछले 7 साल के अनुभव में उत्तराखंड में देखा है कि अगर किसान इस पद्धति AWD का इस्तेमाल करें तो पानी के अंदर 30 से 35% की कमी आ सकती है पूरी जो धान की खेती होती है एक साइकिल में। और साथ ही साथ उनका जो प्रोडक्शन है उसमें भी वृद्धि होती है 8 से 10% की। तो हमें लगता है कि इस मुहिम से यहाँ के किसानों का तो भला होगा, उनकी अच्छी प्रोडक्शन भी आएगा उनको, और दूसरा जो पानी के ऊपर जो निर्भरता है उसको हम कुछ हद तक कम कर सकें। सो एक्चुअली वी आर इम्प्लीमेंटिंग अल्टरनेटिव वेटिंग एंड ड्राइंग टू रिड्यूस द वाटर कंजम्पशन इन द पैडी फील्ड। सो व्हाट हैपेंस, फार्मर फील्स दैट, सो एवरी टाइम वाटर इज रिक्वायर्ड टू फ्लड द पैडी, दैट इज नॉट द केस। सो हियर वी आर इम्प्लीमेंटिंग अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग टेक्निक, बिकॉज ऑफ दिस वन वी कैन रिड्यूस द 30% ऑफ वाटर कंजम्पशन इन द पैडी फील्ड। It also reduces methane emission due to the, so when the congestion flood happens, there is a organic anaerobic decomposition in the paddy field. Because of that one, methane produced into the atmosphere. So if we are doing alternate wetting and drying, so because of that one, we can reduce the methane emission into the atmosphere. And also reduces water consumption. If the water consumption reduces, it also reduces energy consumption. So then also it links to SDG indicators, Sustainable Development Goals, so we can achieve by implementing the AWD technique. जैविक खेती करने के लिए कुछ प्रक्रिया होती है, कुछ दिशा होती है। तो हमारा ये रहता है कि हम किसान भाइयों को एकदम से शिफ्ट ना कराएं कि आज केमिकल डाल रहे हैं कल से केमिकल डालना बंद कर लें, क्योंकि हमारी जो मिट्टी है उसको भी आदत हो गई है केमिकल की। तो धीरे धीरे इस केमिकल को जो यूज़ किया जा रहा है उसको कम किया जाएगा। तो 2 से 3 साल का जो पीरियड होता है उसके अंदर इसको धीरे 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 करके कम लाया जाएगा, एंड देन बायो फर्टिलाइज़र्स जो हैं उसका उपयोग बढ़ा के
जैविक खेती के अंदर उसे कन्वर्ट किया जाएगा। तो आप ये मान के चलिए प्रक्रिया लंबी है, इसमें समय भी चाहिए होता है और इसमें काफ़ी सारी संस्थाओं का सहयोग मिलता है, तो और भी अच्छी तरीके से हम सरकार की नीतियाँ बड़ी अच्छी हैं उसमें, वो इस दिशा के अंदर काफ़ी जागरूकता भी बढ़ा रही हैं, काफ़ी उन्होंने काम किया है इसके ऊपर, तो पॉलिसी लेवल के ऊपर काफ़ी अच्छा चल रहा है एंड हम चाहते हैं कि इसी दिशा में काम चलता रहे। हम भी सरकार की जितनी सहायता कर सकते हैं अपने क्षमता अनुसार वो हम, हाँ जी, हमारे दरवाजे सदैव ओपन है किसान भाइयों के लिए, सो हमारी तरफ से कोई भी ऐसी ना नहीं है। अगर कोई किसान भाई करना चाहता है, इच्छुक है, हमने जगह जगह पे अपने नंबर्स दिए हुए हैं, ग्राम प्रधानों के पास हमारे नंबर है, हमारी वॉल पेंटिंग्स हैं, हमारा नंबर है, हम अपना साझा भी कर देते हैं, हमारी वेबसाइट पे है, जो भी जुड़ना चाहें, जो भी इस दिशा में काम करना चाहें उनका स्वागत है और हम चाहते हैं कि इस मुहिम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई जुड़ें, क्योंकि आने वाला हिंदुस्तान का भविष्य मिट्टी अगर हम बचा लेते हैं और किसान भाई बचा लेते हैं तो ही हम अपनी फूड सिक्योरिटी जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है बढ़ती आबादी को देख के वो हम कर पाएंगे। ये जैविक खेती हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि जिस हिसाब से बीमारियां बढ़ रही हैं, केमिकल का उपयोग ज़्यादा हो रहा है खेती के अंदर, तो अगर इसी तरीके से चलता रहा तो हम अब एक तरफ अपनी सॉइल जो मिट्टी है उसको खो रहे हैं और दूसरी तरफ जो किसान भाई है वो अपना स्वास्थ्य खो रहे हैं। अगर केमिकल का उपयोग घटाया जाएगा और जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा तो हम अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य को भी बेहतर बना पाएंगे और साथ साथ किसान भाइयों जो उस केमिकल को डेली बेसिस पे डील करते हैं उनके स्वास्थ्य को भी इम्प्रूव कर पाएंगे। अभी हम पिछले 24 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं इसी दिशा के अंदर और अलग अलग राज्यों के अंदर हमारा काम चलता है, तो ऑर्गेनिक खेती को लेकर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश क्षेत्र के अंदर हम 5,000 किसान भाइयों के साथ काम कर रहे हैं इसके ऊपर।